है 21 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए 40 रुपए से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट चल रही है। आज भी तकरीबन 4% का बड़ा डिक्लाइन दिखाया जरूर है। बाजार खुलते ही ये गिरा है जबकि बाजार में अच्छी तेजी है। कल भी इसमें गिरावट थी। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे, मतलब 2-3 दिनों से हल्का फुल्का प्रेशर यहाँ पर जरूर बन रहा है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है ये अभी 39 रुपीज़ पर है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो पहले 30 रुपए से बेहतरीन तेज़ी बनी, 42 पे गया और इवन इंट्राडे में 44 रुपीज़ तक भी गया था ये। लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर डिक्लाइन है और मेरे हिसाब से ये एक हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी थी। 30 रुपए से भैया 45 तक पहुंचने वाला था, तो यहाँ से जो डिक्लाइन आया वो एक हेल्दी डिक्लाइन मैं मानता हूँ। जहाँ तक पिछले 1 साल की अगर हम बात करेंगे तो 390% से भी ज़्यादा का ग्रोथ इसने दिखाया ज़रूर। देखो लंबे समय से ये अटका था ये 8 रुपए के करीब, और जब फटा तो ऐसा फटा है भाई साहब पिछले 6 महीने में, 5-6 महीने में ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी है कि शानदार तेजी बनी है। ठीक है, 400% का जो रिटर्न इसने कमा कर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 महीनों में इसने कमा कर दिया है, तो बेहतरीन तेजी है। और देखो इससे पहले भी तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। देखो मैं हल्के फुल्के करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर, एकदम मेजर फॉल एक्सपेक्टेड यहाँ पर कतई नहीं है। जहां तक बात करी जाए आज तो भैया बाजार अच्छे मूड में है, आज निफ्टी 50 अच्छे मूड में है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, निफ्टी बैंक भी तेजी दिखा रहा है, लेकिन सुजलॉन जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका था तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और इसी करेक्शंस में मौके भी आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर सुजलॉन को लेकर बात करें, पिछले 5 साल का ग्राफ देखोगे तो भैया बेहतरीन तेजी है, 740% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर यह शेयर 2 रुपए से भी नीचे आपको मिल रहा था और अभी ऐसी रफ्तार पकड़ी है। और जो तेजी एक्चुअली में बनी है वो जनरली पिछले 6 महीनों में अगर आप ग्राफ देखोगे तो बहुत तेजी वाला ग्राफ है, बहुत बड़ी तेजी वाला ये ग्राफ है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ऐसे तेजी पहले बनी थी लेकिन हर बार गिरा, लेकिन इतनी बड़ी रफ्तार सुजलॉन में 2011 के बाद पहली बार आई है। ठीक है, 2011 के इवन 2009 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तेजी सुजलॉन ने दिखाई है, जो कि अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। अब देखना ये भी रहेगा कि इसको ये लोग मेंटेन कर भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि मेंटेन करनी पड़ेगी इस रफ्तार को, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर तो भैया कंपनी जो है वो लार्ज कैप बन चुकी है, 56,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। 100 का PE है, महंगा है, डेफिनेटली महंगा है ये, लेकिन कंपनी अगर आने वाले टाइम में अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को कंट्रोल में कर लेगी तो शायद इसको भी जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड ज़रूर है ये यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को तो भैया डेट इन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस करा है, जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेट वो इन्होंने बहुत हद तक, काफ़ी हद तक कह लो कि रिड्यूस करा है इन्होंने। इवन 90% तक का कर्जा चुका दिया है और बाकी का जो है वो धीरे धीरे डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो चुका भी देंगे। और सबसे बड़ी बात इनके लिए ये है कि इनको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जैसे जैसे जो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिशियरी ये भी है। हालांकि कंपनी ने अपना जो स्टांस है वो चेंज करा ज़रूर है, कंपनी पहले ग्रोथ की तरफ जा रही थी अब प्रॉफिट की तरफ जा रही है। 1,421 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा जो पिछले साल भी इतना ही था, मतलब ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू वाइज में, लेकिन प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, 100 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है इस बार भी, इससे पहले भी इतना था, तो पिछले कुछ क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आए हैं। और बड़ी बात यह है कि इनको पिछले इसी साल कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं, तो वो जो ऑर्डर्स मिले हैं ना उसका जो रेवेन्यू में कह लो, प्रॉफिट में कह लो, नंबर जो है वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में उसके नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑर्डर बुक धीरे धीरे स्ट्रांग जो हो रही है उसका जो असर है वो आपको आने वाले क्वार्टरली नंबर्स में देखने को मिलेंगे, और ये एक अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक कंपनी में शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो भाई साहब बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर में प्रमोटर के पास 14.50% की होल्डिंग थी। वैसे देखो बहुत कम होल्डिंग है ये, लेकिन प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग 80.77% का जो स्टेक था वो गिरवी रखा हुआ था, अब वो भी छुड़ा लिया है, एक भी शेयर गिरवी नहीं। हालांकि होल्डिंग थोड़ी कम जरूर हुई, 13.29 पर आ चुके हैं जरूर, लेकिन पब्लिक ने बिकवाली करी है
और दूसरे एंड पे अगर आप देखोगे तो एफआईज खरीद रहा है और भारी भरकम क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे थे यहाँ पर। अगेन मैं कह दूँ, यहाँ पर यह भी देखना रहेगा कि जिन लोगों ने भारी भरकम क्वांटिटी खरीदी है, चाहे वो एफआईज हो या फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, वो लॉन्ग टर्म के निवेशक बनेंगे कि नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। क्योंकि देखो, अगर इनमें से किसी ने बिकवाली करना शुरू कर दिया तो दिक्कत होगी। यहाँ पर आप देखो, 0.08% की होल्डिंग 0.74 पर है, बड़ी क्वांटिटी खरीदी, 0.74 से सीधा 4.70 पर आ गए, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदारी हुई है यहाँ पर। और यही वजह भी है कि देखना इंपॉर्टेंट भी ये रहेगा कि भाई साहब क्या चीज़ें निकल कर आती है आने वाले क्वार्टर्स में। म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपनी होल्डिंग को बनाए रखेंगे भी कि नहीं, या प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ये भी देखना ज़रूरी है, यहाँ पर डेफिनेटली हो जाएगा। और जहाँ तक बात करें कंपनी को लेकर, देखो कंपनी पहले ख़राब थी, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा ये वीक कंपनी थी, और कई बार मैंने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, जब ये आपको 5 पे मिलता था, 6 पे मिलता था, 7 पे मिलता था, 8 पे मिलता था, ये 5-6 पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही ये 10-12 पे जाता था तब मैं कहता था कि स्विंग ट्रेड करो और चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इसने 15 रुपये का लेवल क्रॉस किया था और कई सारी खबरें आई थी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, मतलब 80% का डेट चुका दिया है, इतने इनको ऑर्डर्स मिले, तब मैंने ये भी कहा था कि हाँ अब चीज़ें बेहतर हो रही है, अब आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके चल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म की ही बात करूँगा। मुझे लगता है कि कंपनी धीरे धीरे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में सुधार आपको देखने को मिलने वाला है, और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। और धीरे धीरे जिस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच हो रहे हैं, उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा। पहले जो इनकी गले की हड्डी, इनका कर्जा था, वो धीरे धीरे कम हो चुका है और अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर रह चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और बेहतर होगी इनके लिए, और बड़े प्रोजेक्ट जो है वो इस कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, जो करेक्शन यहाँ पर आया है वो एक्सपेक्टेड था, और मैं कहूँगा कि हर 10-12% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। कुछ लोग क्या करते हैं कि 40 रुपये चला गया, 10,000 शेयर खरीद के बैठ जाते, बोलते हैं कि अब गिर गया अब मैं क्या करूं। अगेन, आपको पता है कि 8 रुपये का शेयर 40 पे गया है 6 महीने के अंदर, करेक्शन एक्सपेक्टेड डेफिनेटली रहेगा। तो जाहिर सी बात है, आपको धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। धीरे धीरे ऐड करने के, बाय ऑन डिप्स के मौके, हर 15-20% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, यही मैं करूंगा। बाकी मर्जी आपने, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो डिक्लाइन आया है पिछले 2 दिनों में उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।